हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला मैदान के राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वच्छता अभियान चलाया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे इस स्वच्छता अभियान में मंत्री अजय भट्ट के साथ बीजेपी कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इसी क्रम में मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में उत्साह का माहौल है और देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम मंदिर बनने से इस समय पूरे देश में भक्तिमय माहौल हो गया है और विशेष रूप से लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस दिन सभी लोग दीप जलाकर आतिशबाजी कर दीपावली मनाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोरोना के दौरान मोदी जी ने मेहनत करके ऐसा मैनेजमेंट और इतने अच्छे काम किए कि हम पांचवें नंबर पर विश्व में आ गए और वो अंग्रेज 10वें नंबर पर चले गए हैं, उससे भी पीछे चले गए। तो ये दिखाई नहीं देता है क्या इनको, कितनी रेल की कनेक्टिविटी थी, कितनी हमने खोल दी है, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन हमने चला दी है, उड़ान योजनाएं हमारे वहाँ चल रही हैं, हवाई चप्पल से आज हवाई जहाज में हमारे लोग बैठ रहे हैं, इस काबिल हमने बना दिया है। पूरा विश्व आज उत्साहित है, पूरा भारत आज उत्साहित है, प्रभु श्री राम जो जन जन के आराध्य हमारे हैं, उन प्रभु श्री राम का 500 वर्ष बाद आज जो टेंट में वहाँ स्थापित थे, भव्य दिव्य अपने मंदिर में 22 तारीख को विराजमान होंगे। इस निमित्त जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रत्येक मंदिरों में स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज तक हमने देखा कि कोई भी मंत्री या कोई भी पदासीन व्यक्ति छोड़िए क्षेत्र के स्वयं के भक्तजन यहाँ पे सफाई करने कभी नहीं आए, किसी मंदिर में नहीं आया। इसी मंदिर में क्या, नहीं तो बगल में लोग रहते हैं, सफाई करने आ भी सकते हैं, लेकिन यही राम राज्य है कि राम जी ने देखिए सबकी मानसिकता को कितना प्यारा कर दिया। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आदरणीय श्रीमान अजय भट्ट जी के साथ साथ क्षेत्र के सभी भक्तजन और भी कई महिलाएँ, मातृशक्ति, पुरुष, युवा जो कि आज मंदिर का इन्होंने सफाई अभियान किया, और ये हमारे लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात है।